तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो 0 से 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल हमारे पास था उसमें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज तीनों टर्म पॉजिटिव होते हैं। किसी भी दो टर्म का रेशियो लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच की अगर बात करें तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन 90 to 180 डिग्री की बात कर लें तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है और बेस हमारा नेगेटिव है। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल है जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, हाइपोटेन्यूज रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा और बेस हमारा नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। तो इस बार पी और एच का रेशियो पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे रेशियो नेगेटिव होंगे, इससे साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें लाइक 182 to 270 के बीच की बात कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही नेगेटिव होंगे, वाई एक्सिस का वैल्यू एक्स एक्सिस का वैल्यू दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो इन दोनों का रेशियो निश्चित रूप से पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पी और बी का रेशियो इस बार पॉजिटिव देगा तो टेन थीटा एंड फोर्थ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ले 270 से 360 के बीच की, तो बेस हमारा पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो पॉजिटिव आएगा, इस पर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव है। तो लास्ट क्लास इसमें ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी थी जहां बताया गया था कि 0 से 90 डिग्री के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सिर्फ टैन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कॉस एंड सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो हमने वैल्यू देख लिया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू है, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा वैल्यू नेगेटिव है। अब हम लोग एग्जैक्टली इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, अब हम लोग एग्जैक्टली इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट उसको कैलकुलेट करने के लिए ये सारी बातें तुम्हें रिमेम्बर होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन एंड कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा बाकी चारों नेगेटिव होंगे, थर्ड में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछूं एंगल के हिसाब से तो तुम्हें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा किसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। लाइक मैं अगर तुमसे पूछता हूँ साइन 210 डिग्री का वैल्यू कैसा आएगा, तो साइन 210 की बात करेंगे तो 180 से 270 के बीच यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं तो निश्चित रूप से साइन 210 कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव। तो ये बातें हम लोग डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है कौन सा नेगेटिव आ रहा है, कितना आना है ये बात अभी हम लोग सीखेंगे, बट एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आएगा। अगर मैं तुमसे रैंडमली पूछूं कि 10 to 40 डिग्री का वैल्यू कैसा आएगा तो फिर हम लोग आंसर क्या बताएंगे कि 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निश्चित रूप से इसके वैल्यू, क्योंकि हमसे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू पूछा गया इसके वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और अगर हमसे साइन 240 डिग्री का वैल्यू पूछा गया तो 240 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया तो वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड में तो सिर्फ टैन और एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। सारे लोग ये बात समझ पा रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब सवाल है कि कैसे हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करें। 0 से 90 के लिए तो हमने एक टेबल पढ़ रखा था और मैंने बोला था कि टेबल को रिमेम्बर करना होगा तभी जाके हमारे लिए आगे की चीजें आसान हो पाएंगे, ठीक है। तो टेबल हमने पढ़ रखा है, टेबल को हमने याद कर रखा है, अब हम लोग इस टेबल को यूज करेंगे आगे के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 90 से ज्यादा के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे यूज कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन अमाउंट 90 डिग्री। अगर किसी भी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछा जा रहा है सच दैट, अगर वो एंगल का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में, देखो बेसिकली क्या है कि हमें एंगल का वैल्यू एक्यूट एंगल के लिए पता है, 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू पता है। अगर हमसे कोई सारी वैल्यू पूछ दिया गया तो मैं कोशिश करूंगा उसे समथिंग प्लस या माइनस एक एक्यूट एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि मुझे एक्यूट का वैल्यू पता है। तो जैसे कि अगर हमसे 120 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, लाइक मान लेते हैं साइन 120 डिग्री पूछा गया, तो मैं उसे लिख पाऊंगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर सेक 60 पूछा गया तो मैं चाहूँ तो 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं एक्सप्रेशन को 90 प्लस माइनस सीधा के फॉर्मेट में चाहूँ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, कब, अगर कोई भी एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच पूछा गया, तो 0 से 180 डिग्री के बीच अगर कोई वैल्यू पूछा गया है तभी जाके हम लोग 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। सारे लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि हमें
फाइनल वैल्यू एक्यूट एंगल के फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि मुझे एक्यूट एंगल का ही वैल्यू याद है। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई सा भी अगर एंगल हो तो उसे 90 डिग्री के वोट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमसे 150 डिग्री टैन का पूछा जा रहा है तो मैं चाहूँ तो उसे बड़ी आसानी से टैन 90+ से जरूर लिख सकते हैं। अब ये 60 मुझे पता है, 60 के कोरस्पॉन्डिंग टैन का वैल्यू मालूम है, हम बड़ी आसानी से आगे के वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली 0 से 180 डिग्री वाले वैल्यू को 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्ट करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। तो साइन 90+ थीटा का वैल्यू हमसे बोला गया है, तो साइन 90+ थीटा मैंने ऑलरेडी टेबल बता रखा है, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। इसमें इस एक्सप्रेशन में दो बातें लिखी गई है, एक 90+ थीटा, एक 90-माइनस थीटा। एक्चुअली दो अलग अलग टर्म को मैंने एक साथ लिख रखा है। तो 90+ थीटा के कोरस्पॉन्डिंग प्लस कॉस थीटा आंसर आया हुआ है और 90-माइनस थीटा के लिए भी प्लस कॉस थीटा है। कैसे ही आया इसको जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम हमसे पूछे जाए तो हमें करना क्या है, हमारे पास एक ही तरीके का सॉल्यूशन होगा। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्ट करने को बोला जाए, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्ट करने को बोला जाए, हम करेंगे क्या, हम उस फंक्शन को उसके पेयर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि साइन 90+ थीटा पूछा हुआ है, जैसे ही मुझे साइन दिखाई दे रहा है, साइन का पेयर कॉस होगा और साइन ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 के अलावा जो एंगल है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस की बात करेंगे, कॉस 90 के अबाउट कन्वर्ट होने की बात होगी, तो कॉस का कन्वर्जन में हम लोग उसके पेयर यानी उसके साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा इस पे भी आएंगे, पर ध्यान रखेंगे जब भी 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्जन होगा साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा मैं अभी आगे बताऊंगा। सिमिलरली टैन की बातें करें, 90+ थीटा के अबाउट कन्वर्जन हो रहा है, तो 90 के अबाउट अगर प्लस या माइनस किसी भी तरीके से कन्वर्जन हो रहा है तो टैन हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 के अलावा जो बाकी का एंगल होगा वो कॉट को अलॉट हो जाएगा। सिमिलरली कॉट 90+ माइनस थीटा टैन को अलॉट हो जाएगा। सेक का पेयर कॉसेक है, तो सेक का जैसे कन्वर्जन 90 डिग्री के अबाउट देखेंगे तो ये कॉसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक हमारा सेक में कन्वर्ट होगा। क्यों ऐसा होगा जब हम लोग आते हैं इसको, जरा इसको समझ लेते हैं, पहले इसके पीछे के लॉजिक को समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये 90 डिग्री के अबाउट ये कन्वर्ट हो पा रहा है, जरा हम देखते हैं। साइन क्यों कॉस में चला गया, कॉस क्यों साइन में आ गया, टैन क्यों कॉट में चला गया, 90 डिग्री के वोट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जरा हम सीख लेते हैं, फिर हम लोग वैल्यू निकालना भी सीख लेंगे बड़ी आसानी से। सपोज करो कि ये कोई क्वाड्रेंट है, ये कोई क्वाड्रेंट सिस्टम है और मुझसे पूछा गया साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो 120 डिग्री कैसा होगा, 90+30 यानी कि इधर कहीं आएगा। अगर मैं 120 की बात करूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, ये हमारा 120 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, सच डैट ये ओ हो गया, ये कोई पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये टोटल 120 डिग्री। हमसे पूछा गया साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं चाहूँ तो इसे साइन 90+30 लिख सकता हूँ, सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे हो, मैं चाहूँ तो इसे 90+30 लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं इसे ऐसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी का जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री आएगा। इसमें किसी को डाउट है, अगर मैं 120 की बात कर लूँ तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और 30 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में इधर जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे समझ सकता हूँ, साइन 120 का वैल्यू पूछा गया है तो 120 के एक कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी ओ और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए ओ। तो बेसिकली साइन 120 पूछने का सेंस है कि हमसे ए बी अपॉन ए ओ का रेशियो पूछा गया है। साइन 120 पूछे जाने का सेंस है कि हमसे ए बी अपॉन ए ओ का रेशियो पूछा गया है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली अगर मैं साइन 120 को 90+30 देख लूँ तो 90+30 30 हमारा यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, अगर ये 90 और ये 30 है तो मैं अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यहाँ भी 30 डिग्री ले सकता हूँ। अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री है तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री के जैसा होगा, और अगर ये एंगल 30 डिग्री जैसा होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री जैसा होगा तो जरा सोचो तो हमसे बेसिकली पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया ए बी और ए ओ का रेशियो निकालो, साइन 120 डिग्री के वैल्यू ए बी अपॉन ए ओ होगा। तो ए बी अपॉन ए ओ का रेशियो अगर हम लोग बात कर ले 30 डिग्री के हिसाब से, तो जरा बताओगे 30 डिग्री के लिए ए बी कैसा दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है या फिर वो बेस की तरह दिखाई दे रहा है। बेस के लिए, बेस 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू अगर मैं बोलूं कि जरा बताओ 30 डिग्री के लिए ए बी बाई ए ओ कैसा रेशियो है, तो हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि ये कॉस 30 डिग्री का रेशियो होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग ए बी बेस कहलाएगा और ए ओ उसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। एक्चुअली में जब भी हम लोग 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्जन करते हैं ना, तो 90+ थीटा, ये जो थीटा देखो 90+ थीटा में ये जो थीटा की बात कर रहे हैं, ये थीटा ऊपर की तरफ चला आता है और जो हम लोग 120 के कोरस्पॉन्डिंग
परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे, 30 डिग्री के लिए वही परपेंडिकुलर बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, और 120 के लिए जो बेस था वो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेसिकली ये साइड हमारा पी डैश की तरह बिहेव करने लगेगा और ये साइड हमारा बी डैश की तरह बिहेव करने लगेगा। सारे लोग समझ पा रहे हो? इसीलिए जब हमसे साइन पूछा गया है, साइन हमसे पी वाई एच का रेशियो पूछा गया है, बट जब मैं इसे 30 डिग्री पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो हमारा पे जो परपेंडिकुलर था वो बेस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वो कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। जो हमारा बेस था वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए जब हम कॉस की बातें पूछ रहे थे, बी बाई एच की बातें पूछ रहे थे तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग ये एक्चुअली में साइन थीटा की बातें होंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन चुका है। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? इससे वो डाउट है तो हमने ये देखा कि जब भी हम लोग 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में ले जाएंगे तो ये थीटा एक्चुअली में उठ के ऊपर की तरफ आ जा रहा है। तो जिसके लिए हम साइन की बात कर रहे थे, यानी बेसिकली 120 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर हुआ करता था 30 डिग्री के लिए वही बेस हो जाएगा। 120 के लिए जो बेस हुआ करता था वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसीलिए जब हम टैन थीटा की बात कर रहे हैं, टैन 120 की बात कर रहे हैं, तो टैन 120 एक्चुअली में हम लोग पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन जैसे ही मैं 120 को 30 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर बाई बेस एक्चुअली में बेस बाई परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमें टैन 120 को कॉस 30 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, ठीक है। क्योंकि पी और बी आप एक्चुअली में एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा इससे साइन के वैल्यू को लेकर। साइन हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है साइन का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा। तो अगर साइन का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा पूछा गया है, 90 प्लस थीटा पूछा गया है, तो मुझे थोड़ा कंफर्म करो, साइन का वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा पूछा गया है, 90 और 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो साइन का वैल्यू 90 और 180 के बीच में कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए या फिर नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैंने आंसर को प्लस दे दिया। 90 के बाउट कन्वर्ट करके हम लोग कॉस देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बेस बन चुका है और बेस हमारा परपेंडिकुलर बन चुका है। लेकिन ये आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये डिसीजन कहाँ से होगा? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, आंसर हो गया पॉजिटिव। सिमिलरली हमसे पूछा गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव, आंसर होगा पॉजिटिव। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा भी प्लस कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा, सारे लोग समझ रहे हो? तो 120 का वैल्यू ये कॉस 30 में कन्वर्ट हो चुका है और कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, ये आंसर हमारा पॉजिटिव आया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली साइन 120 डिग्री का वैल्यू आएगा रूट 3 बाई 2, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। सिमिलरली जब हम लोग कॉस की बातें करेंगे तो 90 डिग्री जैसे ही तुम्हें दिखाई दे तो हम उसे साइन में तो कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो चुके होंगे, बट 90 प्लस माइनस थीटा की जगह यहाँ पे थीटा तो ले लेंगे। अब सोचो जरा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव था, साइन एंड कॉसेक था, तो कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। तो कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू देखो मैंने आंसर में माइनस साइन थीटा लिखा है, लेकिन जब हम लोग 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मैंने पॉजिटिव लिखी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा हो, चाहे वो टैन 90 माइनस थीटा हो, चाहे कॉट 90 माइनस थीटा हो, सारे के सारे वैल्यू कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर मैं टेन 90 प्लस थीटा की बात कर लूँ तो टेन 90 प्लस थीटा अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 देखते ही मैंने 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लिया, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो टेन का वैल्यू सेकंड में कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव, तो मैंने माइनस ले लिया। सिमिलरली कॉट का भी सेकंड में नेगेटिव आना चाहिए था तो मैंने माइनस टेन थीटा ले लिया। सेक 90 देखते ही मुझे सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर देना चाहिए, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमसे क्या पूछा गया, सेक, यहाँ से डिसीजन मत लेना साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू यहाँ से डिसाइड होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सेक का वैल्यू पूछा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए, तो नेगेटिव, और कॉसेक की बात करेंगे तो उसका सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। सारे लोग समझ रहे हो?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे का ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? तो यहाँ देख पाए हम लोग 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्जन कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन लिया, टेन 150 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा गया, मैंने इसे क्या किया, टेन 90 प्लस 60 में कन्वर्ट किया, और चूंकि 90 डिग्री के अबाउट दिख रहा है तो मैं टेन क्या करूंगा, उसके फेयर यहाँ कॉट में कन्वर्ट करूंगा, रिमेनिंग थीटा यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। चूंकि टेन का वैल्यू 150 डिग्री पूछा था, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ माइनस साइन भी लगा लूंगा, ठीक है। और ये माइनस साइन जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 पता है, तो -1/√3 आंसर आएगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, 180 डिग्री के अबाउट कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले मैं ये कन्वर्जन सिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये भी, जब भी 180 डिग्री के अबाउट कन्वर्जन की बात करेंगे तो फंक्शन खुद में रह जाता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक, कोई चेंजेस नहीं होता। अगेन सेम रीजन, अभी हम लोग यहाँ चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैं 180 डिग्री के बोर्ड में नहीं होता है तो मैं अभी करा ही देता हूँ, बेटर होगा, चलो देख लो। अगर 180 डिग्री के बोर्ड में कन्वर्जन कर रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल को, तो देख लो, तो बेसिकली ये टोटल एंगल हो गया 180, और इसको नेगेटिव यानी माइनस करेंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस करेंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो अगर हमसे साइन 180 माइनस थीटा पूछा गया है, ठीक है, लाइक मान लेते हैं कि हमसे साइन 120 डिग्री पूछा गया, इसे मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 60, ऐसा कुछ लिख लूंगा। अब जरा बताओगे 120 के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस हुआ करता था और जो हाइपोटेन्यूज हुआ करता था, तो साइन 120 का वैल्यू एक्चुअली में हमसे क्या पूछा गया, अगर मान लेते हैं फिर से ये एंगल 120 ही है, अगर ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो साइन 120 हमसे पूछा गया ए वी अपॉन ए ओ का रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब जरा सोचो, अगर मैं इस 120 को 180 माइनस थीटा के फॉर्मेट में ले जा रहा हूँ, तो इस बार थीटा मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे में, पिछले बार थीटा ऊपर आ गया था ए पॉइंट पे, इस बार थीटा ओ पे ही है, तो पिछले बार की तरह इस बार कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, क्यों, 120 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर और जो बेस हुआ करता था, जरा देखोगे इस बार जो हमने थीटा कंसिडर किया है इस थीटा के लिए भी वही परपेंडिकुलर है और वही बेस है, समझ पा रहे हो क्या, 120 के लिए जो परपेंडिकुलर था 180 माइनस थीटा करने पर जो थीटा आ रहा है इसके लिए भी वही परपेंडिकुलर है और वही बेस, इसलिए कोई परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम बोल रहे हैं बेसिकली कोई फंक्शन में चेंजेस नहीं हुआ है, साइन साइन ही रह गया, कॉस कॉस ही रह गया, टैन टैन ही रह गया, बाकी के तीनों भी वैसे ही रह गए, ठीक है। तो लाइक साइन 120 के लिए अगर ए बी वाई ए ओ का वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो बेसिकली इसे मैं चाहूँ तो साइन 60 भी लिख सकता हूँ, इसके लिए भी वैल्यू कैसा आएगा, ए बी अपॉन ए ओ ही आएगा, साइन 60 के लिए भी वैल्यू कैसा आएगा, तो 60 इन द सेंस अंदर वाला एंगल, ये थीटा वाला एंगल, थीटा के लिए फिर से ए बी अपॉन ए ओ का रेशियो ही बनेगा, और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए वैल्यू कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। हमसे हमसे क्या पूछा गया था, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अगर 180 प्लस थीटा पूछा गया है, तो जैसे 180 के अबाउट दिखेगा तो साइन साइन में डाले दो, कोई चेंजेस नहीं करोगे, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। सिमिलरली कॉस के लिए बात कर लेंगे, 180 के अबाउट है तो कॉस ही रह जाएगा, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, दोनों में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो दोनों में नेगेटिव वैल्यू आ गया। टैन की बात करेंगे तो टैन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो देखो यहाँ प्लस दिखा गया है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ वैल्यू नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉट की बात करेंगे, कॉट भी हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। सेक की बात करेंगे, सेक 180 प्लस थीटा में भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड में भी नेगेटिव और सेकंड में भी नेगेटिव, कॉसेक की बात करेंगे तो सेकंड में पॉजिटिव है और थर्ड में नेगेटिव है। आई थिंक सबको ये कारण समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सा चीज होता है, इसके लिए तुम्हें ये टेबल पता होना जरूरी है, इसके लिए टेबल पता होना जरूरी है, और ये वाला टेबल भी, ये सारे डाटा भी मालूम होना जरूरी है, तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली 150 डिग्री को जो हम लोग चाहें तो इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, 90 प्लस 60 तो कर ही सकते हैं, 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, 180 के अबाउट करेंगे तो 10 में रह जाएगा, बाकी का एंगल थीटा आगे 30 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू था 150, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, 10-30 का वैल्यू भी 1/√3, तो चाहो तुम 90 प्लस 60 कर लो या फिर चाहो तो 180 माइनस 30 करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, दोनों ओर से आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। बस ध्यान रखेंगे कि 90 के अबाउट जब तुम कन्वर्जन करोगे तो फिर ये 10 अपने पेयर कॉट में कन्वर्ट होगा, 180 के अबाउट अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम लोग 180 डिग्री के बाद अगर बात करें तो ऐसा ही कन्वर्जन हम लोग 270 डिग्री के अवॉर्ड करेंगे, और 270 डिग्री के अवॉर्ड कन्वर्जन जो है बिल्कुल 90 डिग्री की तरह होता है, ये बात ध्यान रखना है। वाई एक्सिस पे 90 डिग्री है, वाई एक्सिस पे 270 है। तो अगेन 270 डिग्री के अबाउट कन्वर्जन करेंगे, फिर से फंक्शन अपने पीएन में कन्वर्ट होगा, वो बिल्कुल 90 डिग्री की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो 270 के अबाउट करते हैं तो साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सेक कॉसेक में एंड कॉसेक सेक, ठीक है। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रही बात कि यहाँ पर प्लस ले या माइनस ले, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर। 270 माइनस थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ जरा साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव होता है कि नहीं, फोर्थ में भी नेगेटिव थर्ड में भी नेगेटिव, इससे दोनों में वैल्यू नेगेटिव। लेकिन अगर यही हम लोग कॉस के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस की जब बातें करेंगे तो कॉस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। तो यहाँ प्लस साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम टैन की बात करें तो टैन 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फिर वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। टेन का वैल्यू भी थर्ड में पॉजिटिव होता है, कॉट का भी थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। सेक की बात करेंगे फोर्थ में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, ठीक है। कॉसेक की बात करेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों में नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव है। तो बड़ा आसान है समझना, 270 को बिल्कुल 90 डिग्री की तरह बिहेव कराओ, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग 360 डिग्री के अबाउट अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो बिल्कुल ये 180 डिग्री की तरह बिहेवियर शो करेगा, इस बार कोई फंक्शन में चेंजेस नहीं होगा। तो साइन 360 प्लस माइनस थीटा को मैं चाहूँ तो 360 डिग्री को मैं चाहूँ तो जीरो भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये साइन प्लस माइनस थीटा की तरह है। साइन प्लस थीटा की बात करें, सोचो साइन प्लस थीटा इन द सेंस कि जीरो यहाँ छिपा हुआ है, तो जीरो में प्लस थीटा करोगे तो फिर तुम कहाँ पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे। जीरो में प्लस थीटा यानी कि और एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना है, जीरो पे पहुंचने के बाद और एंटी क्लॉकवाइज पहुंचना है। सोचो 360 प्लस थीटा कहाँ आएगा, वापस से 360 से आगे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन है, यानी कि साइन प्लस थीटा, कॉस प्लस थीटा, टैन प्लस थीटा, सबका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम लोग 360 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो 360 को जीरो की तरह सोचो, तो बेसिकली ये जीरो माइनस थीटा है। जीरो माइनस थीटा इन द सेंस मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एंगल बनेगा और क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव एंगल बनेगा। तो अगर कोई माइनस थीटा की बात हो रही है यानी कि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाओगे तो बेसिकली हम पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा समथिंग लाइक ऐसा है, साइन 360 माइनस थीटा को 360 को जीरो लिखो, फिर जीरो हटा दोगे तो साइन माइनस थीटा दिखाई देगा। तो साइन माइनस थीटा का बेसिकली मतलब ये है कि हमसे फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसलिए मैंने माइनस से लिया है। और माइनस थीटा का जगह तुम ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ 360 छिपा हुआ है, और 360 के अबाउट अगर कन्वर्जन है या 0 डिग्री के अबाउट अगर कन्वर्जन है तो फंक्शन खुद में रह जाएगा, साइन साइन में रह जाएगा, थीटा आ गया, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसलिए माइनस है। फिर से कॉस कॉस में रह गया, थीटा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस कॉस थीटा होता है। टैन का वैल्यू अगेन नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव है, कॉट का वैल्यू फोर्थ में नेगेटिव तो नेगेटिव, कॉसेक का वैल्यू फोर्थ में नेगेटिव नेगेटिव, सेक का वैल्यू फोर्थ में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तब मैंने प्लस सेक थीटा लिया। तो आई थिंक सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी, चाहे हम लोग 270 के अबाउट कन्वर्जन कराएं या फिर 360 के अबाउट हम लोग कन्वर्जन करा ले, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, हर तरफ से वैल्यू कैसा आएगा सिमिलर है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया था, जैसे कि सपोज करो हमसे वैल्यू पूछा गया साइन 240 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो मैं इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 240 चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो आइदर इसका वैल्यू 180 से 60 डिग्री ज्यादा होगा, आइदर इसका वैल्यू 270 से 30 डिग्री कम होगा। तो मैं इसे साइन 180 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, साइन 270 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ। तो 180 प्लस 60 में अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो साइन का कन्वर्जन 180 के अबाउट करेंगे तो साइन साइन में रह जाएगा, बाकी का 60 डिग्री आ गया। और चूंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली 270 की बात अगर कर लें तो साइन 270 के अबाउट कन्वर्जन तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का 30 डिग्री आ गया। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं वैल्यू नेगेटिव आएगा तो माइनस कॉस, माइनस साइन 60 भी रूट 3/2 आ जाएगा, माइनस रूट 3/2 और ये भी माइनस रूट 3/2, दोनों से बिल्कुल सेम आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कॉस 217 डिग्री की बात करें तो इसे मैं बड़ी आसानी से 180 प्लस 37 लिख सकता हूँ, या फिर 270 माइनस 33 बता सकता हूँ। तो 180 प्लस 37 की बात करेंगे, 180 के अबाउट है तो कॉस कॉस में रह जाएगा, बाकी का 37 डिग्री आ गया।
क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos 12 नेगेटिव आता है तो माइनस साइन ले लेंगे, और cos 270 के अबाउट है तो cos साइन में कन्वर्ट होगा, 53° आ जाएगा, और अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव है, ठीक है। cos 37 का वैल्यू 4/5, sin 53 का वैल्यू 4/5, दोनों ओर से बातें सेम है। इसी तरह हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 300 की बात करें तो 270 प्लस 30° है, 360 माइनस 60° है, दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। 270 के अबाउट करेंगे तो tan cot में कन्वर्ट होगा, 360 के अबाउट करेंगे तो tan tan में ही रह जाएगा। तो बाकी का ये 360 माइनस 60 में 60 आ गया, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस चलिए, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ से हम लोग माइनस चलिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स एज ए होमवर्क हम लोग कर सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल कराए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें ट्राई करने हैं। तो आई थिंक ये एंगल निकालना सबको आ गया होगा, आई थिंक ये आंसर, ये एंगल निकालना सबको आ गया होगा। तो आई थिंक सारे लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो कि सबको पता होना चाहिए, जिसे हम लोग बार बार फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तुमने पहले पढ़ रखा है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सब बातें भी तुमने पढ़ रखी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला है लाइक साइन 2 थीटा का वैल्यू आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमसे बोला जाए साइन 74° का वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, थीटा का जगह अगर 37 पुट कर लिया तो फिर ये एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा साइन 2 इंटू 37 यानी 74, साइन 74 का वैल्यू आएगा 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37, ठीक है। थीटा का जगह मैंने क्या लिया, 37 ले लिया, ठीक है। तो 2 साइन 37 कॉस 37, तो साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, पुट करेंगे 24/25, साइन 74° का वैल्यू इसके बराबर होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, इसका प्रूफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम लोग उतना ही सीखेंगे जितना हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें प्रूफ वगैरह सब कराया जाए। सिमिलरली कॉस 2 थीटा की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हां बोलो सर, यहां पे कॉस 37 कैसे हुआ? और साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा अलग बात है, 2 साइन थीटा अलग बात है। साइन 2 थीटा इन द सेंस हमने सिर्फ एंगल को डबल कर दिया है, और 2 इंटू साइन थीटा कि हमने किसी सर्टेन एंगल में वैल्यू निकाला और उसका वैल्यू को डबल कर दिया। एंगल को डबल करना और साइन ऑफ दैट एंगल के वैल्यू को डबल करना दो अलग अलग बात है। कभी भी साइन, अच्छा मुझे ये बताओ, साइन 60° का वैल्यू 2 टाइम साइन साइन 30° होता है क्या? यस सर, साइन 60° का वैल्यू 2 टाइम साइन 30° के बराबर होता है क्या? नहीं, साइन 60 का, नो सर, 1 वैल्यू। एग्जैक्टली, तो ये बात हमें समझना पड़ेगा, ये दो अलग अलग बात है। साइन 2 थीटा 2 टाइम साइन थीटा के बराबर नहीं होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं थीटा का 30° पुट कर लूं सपोज करो, तो इधर का एक्सप्रेशन साइन 60° होगा और ये होगा 2 टाइम्स साइन 30 कॉस 30 के बराबर। थीटा का जगह मैंने कितना लिया था 30°, तो साइन 60° का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स साइन 30 कॉस 30 के बराबर। चेक करके देख लो, साइन 30 1/2 होता है, 2 और 1/2 कैंसिल आउट होगा, तो कॉस 30, कॉस 30 √3/2 तो होता ही है, जो कि साइन 60 के बराबर भी होता है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डाउट है कुछ? नो सर, सर उसका हाफ कर देते हैं, मतलब ठीक है, कॉस साइन साइन 2 थीटा की बातें करें तो एक्सप्रेशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली कॉस 2 थीटा के एक्सप्रेशन की बात करें तो वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और इसी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम पुट करते हैं तो टोटल एक्सप्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूँ तो ये टोटल एक्सप्रेशन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये टोटल एक ही एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली cos 2 थीटा का एक्सप्रेशन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर हम लोग रिमेंबर कर लें तो बाकी के एक्सप्रेशन भी तुरंत निकल आएंगे, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं फर्दर यूज करूँ, लाइक cos 2 थीटा को अगर मैं यूज कर रहा हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। इस 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, cos 2 थीटा को बाकी इधर ले, एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा। अगर मैं इसी से 2 को यहाँ डिवाइड भी कर दूँ तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, मुझे यहाँ रूट लेना पड़ेगा,
रूट वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा के वैल्यू की बात करूं तो इस दो एक्सप्रेशन को यूज करना होगा, तो वन को उठाकर उधर ले जाते हैं तो वन प्लस कॉस टू थीटा का वैल्यू टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू रूट अंडर वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। इस एक्सप्रेशन को यूज कर पाएंगे हम लोग। लाइक अगर हमसे पूछा गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो मैं अगर यहाँ 15 पुट कर दूं तो ये साइन 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो ये कॉस 30 हो जाएगा, टू थीटा। कॉस 30 का वैल्यू तो हमें पता है, तो साइन 15 का वैल्यू बड़ी आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे कॉस 30 पुट करके। सिमिलरली कॉस 15 का वैल्यू भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट करके, कॉस 2 इंटू 15 यानी 30 डिग्री। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जो कि हम लोग फिजिक्स में बार बार यूज करेंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा दो चार और फॉर्मूले हैं, लाइक साइन ए प्लस बी। अगर हमसे दो एंगल का समेशन का साइन का फॉर्मूला पूछा गया तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सारा कुछ तुम्हें रिमेंबर करना होगा। रिमेंबर करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि इन सब का कुछ पैटर्न है, जैसे कि साइन ए माइनस बी बिल्कुल इसी तरह का एक्सप्रेशन होगा, बस प्लस की जगह माइनस होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी की जब बात करेंगे तो कॉस ए बी माइनस साइन ए साइन बी की बातें होंगी, ठीक है, कॉस ए बी माइनस साइन ए साइन बी की बातें होंगी। इस बार दोनों दो बार कॉस एक साथ है, फिर से दो बार साइन एक साथ है, और जब कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो कॉस ए बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ इस तरह की बातें आएंगी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का वैल्यू आएगा कॉस ए बी प्लस साइन ए साइन बी। आई थिंक सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। किसी को भी डाउट हो तो बताओ, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।